अगली खबर है देवास के ग्राम सिया की, जहां आज सुबह एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार दो लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रहलाद हिस्सल और संदीप जलगांव से कोटा उनके बालक से मिलने जा रहे थे, इसी दौरान अचानक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एयर बैग खुलने के चलते दोनों की जान बच गई। गनीमत रही दोनों को मामूली चोटें आई हैं। भर्ती का पेपर बना रहे नहीं लगी गाड़ी में क्या कुछ और तुम्हारा सामान उधर से भैया उधर ले लो भाई साहब बताओ, एम जी आर पहुँचे हैं, क्या घटना हुई है, कहाँ की घटना है? सर ये ग्राम सिया जिला देवास की घटना है, और घटना हम ब्रिज के नीचे थे और ब्रिज के ऊपर गाड़ी की आवाज़ आई टकराने की, ब्रिज पे गए बस पाँच बात कुछ होंगे, हम बहुत भीड़ हो गई, देखा तो डिवाइडर गाड़ी टकरी हुई थी, अंकल गाड़ी में उनको दो चार व्यक्ति ने मिलकर निकाला और इन दो से सर हैं वो रुक गए, एम्बुलेंस को फोन लगा, एम्बुलेंस ने बोला कि हम 20 मिनट से आ रहे हैं, उसके बाद वो एम्बुलेंस निकल चुकी थी, फिर देखा कि घोड़ा ज़्यादा गया, इस कारण कार में डाल के उनको एम जी हॉस्पिटल देवास में गया। कितने लोग थे गाड़ी में? दो व्यक्ति। कुछ जानकारी लगी भैया कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर ये गाड़ी महाराष्ट्र वासी थी और कोटा का बता रहा है सर, एकदम कोटा जा रहा है, मेरे को बच्चा वगैरह बीमार है। अच्छा, आपका नाम बता दो भैया। सोहेल पठान सिया।